से आराम से। इशा का टाइम हो रहा है और हमारे रूम में कौन आया है? अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ ठीक, और आप लोगों के सामने हूँ सेहतमंद, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। मेरी दिल से दुआएं हैं कि आप सब लोग खुश और आबाद रहें, ऐसे ही हंसते बसते रहें मुस्कुराते रहें। और मैं रूम में आ चुकी हूँ, मैं सुबह 10 बजे के करीब अपने रूम में शिफ्ट हुई हूँ। जैसे कि आप लोगों ने पहले व्लॉग में देखा है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि जो आने वाले व्लॉग हैं बेबी के, वो सब आप लोगों को जो है ना मिलें देखने को, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी आप लोगों ने शेयर करना है। और ये जो है ना मोहम्मद साहब की मस्तियाँ मेरे साथ साथ चल रही हैं। मोहम्मद साहब ने ना मुझे जो है ना नींद में नहीं जाने दिया, जबकि मैं फुल होश में, ऑपरेशन थिएटर में भी मैं फुल होश में थी। काफ़ी मुझे सर्दी लग रही थी वहाँ पे, तो कपकपाहट हो रही थी, उस वजह से भी नींद नहीं आई। और मोहम्मद की टेंशन हो रही थी कि फ़ौरन जाऊँ रूम में शिफ्ट हो जाऊँ। नर्सों का मैंने दिमाग खाया हुआ था कि जल्दी से जो है ना मुझे रूम में शिफ्ट करें ताकि मैं अपने बेटे को देखूँ। मोहम्मद की टेंशन लगी हुई थी, और अभी भी मोहम्मद ने सोने नहीं दिया है, आराम नहीं करने दिया है, क्योंकि मोहम्मद की नींद पूरी हो चुकी है। अदील साहब भी जागे हुए हैं, मैं भी जागी हुई हूँ, तो नींद नहीं आ रही हम दोनों को। अब ये सोएंगे तो फिर शायद हम रेस्ट करें, हम सोएं। और बस अभी मोहम्मद साहब की खाने की टेंशन हो रही थी, तो अदील साहब ने खाना ऑर्डर किया है, और जो है बेबी अभी तक हमें नहीं दिखाया गया, और बेबी हमारे पास अभी नहीं आया है। बस आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि मैं खैर खैरियत के साथ अपने घर जाऊं। मेरी तीनों बेटियां घर में हैं और सिस्टर इन लॉ साथ ही हैं, और नाश्ता कर रही हैं ना, अभी वीडियो आई है, नाश्ता कर रही हैं। मैंने सबके लिए दुआ की, अरूज बाबर मैंने आपके लिए भी दुआ की, अल्लाह ताला आपकी भी गोद भरे, अल्लाह ताला आपको नेमत और रहमत दोनों से नवाजे, आमीन। मैंने सबके लिए दुआएं की हैं, जिस जिसने मुझे दुआओं के लिए कहा था मैंने सबके लिए दुआएं की हैं। अल्लाह ताला सबको हर बे औलाद को औलाद दे, नेमत से भी नवाजे, रहमत से भी नवाजे। मैंने प्रेशर थिएटर में भी सबके लिए, वहाँ पे सबके लिए दुआएं की हैं, सबका नाम ले लेके दुआएं की हैं। अल्लाह ताला कबूल अता फरमाए आप लोगों के हक में, और अल्लाह ताला आप लोगों की जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे, आमीन। और ये मोहम्मद साहब ये घूम रहे हैं, और ये आ गया है हम लोगों के लिए खाना, नाजे के लिए नहीं आया है, हमारे लिए आया है। और ये आया क्या है? खाने में आया है कब्सा, और आई थिंक ये शोरबा टाइप का कुछ है, वेजिटेबल। ये भी मोहम्मद तुम्हें खिलाऊंगा। मोहम्मद अच्छा जी, मोहम्मद साहब जो हैं सो गए हैं, और नाज़िया भी सो रही हैं। अच्छा जी, इन लोगों को सुकून नहीं है, ना मरीज़ों को सोने देते हैं। अब सेकंड पेन किलर लगा के गई हैं, अब देखें तीसरा कब लगाती हैं। अच्छा जी, मोहम्मद सो के उठ गए थे, तो मोहम्मद साहब जो है ना काफ़ी बेचैन हो रहे थे इस रूम में अकेले, तो अदील साहब गए मोहम्मद को घर पे छोड़ने। मैंने कहा थोड़ा बच्चों के साथ मोहम्मद भी थोड़ा खेल लेगा, फ्रेश हो जाएगा, तो इसको बच्चों के पास छोड़ के आ जाएं शाम में। बच्चे जब मिलने आएंगे मुझे तो साथ में ये भी आ जाएंगे, तो थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। और ये मुझे अभी पानी दे के गई है नॉर्मल सिस्टर, के आप पानी पीना स्टार्ट करें, तो मैंने एक घूंट ही पिया है अभी,
और पेन बहुत ज़्यादा हो रही है मुझे, तो ये पांचवी पेन किलर की जो है ये ड्रिप लगा के गई है मुझे, ये इंजेक्शन लगा हुआ है पांचवा पेन का। और साथ में मुझे ये भी दे के गई है लिक्विड खाना, ये जेली जूस और कॉफ़ी है अल्लाह जाने, तो कह रही है कि जो ऑप्शन पसंद हो खा लो, लेकिन अभी मैं उठ नहीं पा रही हूँ, अदील आएंगे तो फिर ही उठ के। मैंने चाय मांगी थी, मैंने कहा मुझे ब्लैक टी ही ला दो बस, अल्लाह जाने ये क्या रख के गई हैं। तो अभी अदील आएंगे तो फिर मैं उठूँगी थोड़ा, तो देखते हैं क्या है। और मैं एडमिट हुई थी सुबह 6 बजे के करीब, और सारा प्रोसीजर चलता रहा, ऑपरेशन थिएटर में लेके गए मुझे, वहाँ इन्होंने जो है मुझे 8:30 स्टार्ट किया ऑपरेशन, और 10:30 मैं रूम में शिफ्ट हो चुकी थी। उसके बाद थोड़ा सा मेरी जो है ना आँख लग गई थी, तो अभी 2 बजे मैं उठी हूँ। तो अभी जो टाइम हो रहा है मगरिब होने वाली है आई थिंक, बाहर थोड़ा सा ये व्यू आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, चीनी डालो। हल्की सी डालें। आदिल साहब आ गए हैं मोहम्मद साहब को छोड़ के, तो अब थोड़ा सुकून से पीऊंगी मैं चाय, सुकून से मैं थोड़ा पीऊंगी सा चाय। उठ के बैठी हूँ, चाय की तलब हो रही है। जूस वूस दे के चली गई, ठंडा के जूस पी लो भाई, जूस कौन पिएगा। भैया वो आपकी जान के लिए बोल रही है ना, आपका ब्लड जो इतना ही है, पत्ती रखना ही निकाल दो। थोड़े स्ट्रोंग बना दो बस, सुकून आएगा चाय पी के। गरम है जेली खाने हैं इधर, जो घर में नहीं मिलती जेली खाना है ये क्या? जेली खा रही हूँ और बच्चे याद आ रहे हैं, मैं कह रही मेरे बच्चे होते तो वो जेली शौक से खाते हैं। इशा का टाइम हो रहा है और हमारे रूम में कौन आया है, चलें आपको दिखाते हैं। डंडडें, आओ 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 आओ, आराम से आराम से आओ। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद कौन है, ये बेबी है। अच्छा जाओ जाओ, सलाम तो करो उससे। हाय भाई, आराम से, ये डॉल नहीं है कोई। यहाँ पे हमें इंतज़ाम कर लिया है सोने का, जहाँ पे मैं यहाँ सोऊंगा और मोहम्मद साहब जो हैं यहाँ पे सोएंगे। और जैसे कि ये हैं आपकी नाजिया अदील। यस, मैं फ्रेश हो गई हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे भी अभी होके गए हैं, मिलके गए हैं, और मील भी मिल चुका है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। अब पेट भर के खाना खाऊंगी, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और लाइक भी दीजिएगा। कमेंट्स में आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं जो है ना मुझे दी हैं, उनके लिए तहे दिल से जजाक अल्लाह खैर। और वंस अगेन सब्सक्राइब मेरे बढ़ने चाहिए, इंशाल्लाह क्योंकि आप जरूर। लोग मुबारकबाद तो दोगे ही, तो बस मुबारकबाद के जरिए ही मेरे सब्सक्राइब जो है ना आप लोगों ने बढ़ाने हैं। और बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।